मतदाता सूची की शिकायत करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है। चुनाव आयुक्त से हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव हमेशा ईवीएम से करने की कानूनी बाध्यता भी नहीं है। जहां पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में हेरा फेरी की जा रही है। ये आप आयुक्त महोदय से बात करिए और मुख्यमंत्री से बात करिए, हम आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। परंपरा नहीं तोड़ी, परंपरा ये रही है कि कभी अध्यक्ष का चुनाव होता नहीं था, और जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था तो उपाध्यक्ष उनको अपोजिशन पार्टी को मिलता था, मैंने स्वयं ने दिया है। तो परंपरा ये लोग तोड़ते, हमने